अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रानी के कातिल को मौत की सजा सुना दी गई है। रानी कौन थी, इसको क्यों कत्ल किया गया और क्या उसके कातिल को मौत की सजा सुनाकर रानी और उसके अहले खाना को इंसाफ मिल गया। नाजरीन, आसमा रानी कुहाट की रहने वाली थी। इंतहाई शरीफ उन नफ्स मासूम शक्ल और सूरत की ये लड़की अपने गरीब घर वालों की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इनके घराने का कोई फर्द पढ़ लिख कर आला मुकाम हासिल करे, वो हजारा मेडिकल कॉलेज में थर्ड ईयर की स्टूडेंट थी। वो हजारा मेडिकल तमाम घर वाले मेहनत करके अपनी कमाई से थोड़ी थोड़ी रकम इकट्ठी करके आसमा रानी के तालीम के बाहरी अखराजात बर्दाश्त कर रहे थे। रानी भी अपने घर वालों की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए खूब मेहनत कर रही थी। वो कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी और जब कभी छुट्टी होती वो एबटाबाद से कुहाट तक का तवील और मुश्किल सफर करके अपने घर आती, अपने घर वालों के साथ बैठकर बताती कि जल्द ही मेरी मेहनत और आपकी कुर्बानी रंग लाने वाली है और मैं डॉक्टर बनकर न सिर्फ दुखी इंसानियत की खिदमत करूंगी बल्कि अपने घर वालों के लिए भी उनका फख्र बनूंगी। और ख़ास तौर पर अपनी बड़ी बहन सोफिया रानी, जो अपनी बहन को डॉक्टर बनाने के ख्वाब को पूरा करने के लिए मेहनत करके इसके अखराजात पूरे कर रही थी। लेकिन न जाने इस घराने की शराफत और आसमा रानी की मासूमियत को किसकी नजर लग गई कि एक शादीशुदा अथरा मर्द आसमा रानी के पीछे पड़ गया और इसे मजबूर करने लगा कि तुम मुझसे शादी करो। लेकिन आसमा रानी, जिसकी एक ही ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर बनकर अपने सारे घर के अफराद की उस कुर्बानी का बदला चुका सके जो उसके डॉक्टर बनने के लिए वो दे रहे थे, अपने मासूम और तमीज़दार लहजे से उसने मुजाहिद आफरीदी नामी उस शख्स को इनकार कर दिया कि वो उससे शादी नहीं कर सकता। अथरे मुजाहिद ने इस बात को अपनी जिद बना लिया और उसको मुख्तलिफ ज़राए से धमकाने लग गया, यहाँ तक कि उसके घर पहुँच गया, उसकी बहन को धमकी दी, आसमा रानी का पर्स छीन लिया। मुजाहिद आफरीदी का इसरार और धमकियों ने उस घराने की जिंदगी अजीरन कर दी। उन्होंने मुतलका पुलिस को इस बदमाश से आगाह किया और यहाँ तक कह दिया कि उनकी जानों को इस ओबाश शख्स से जान का खतरा है। लेकिन पुलिस ने अपनी रवायती बेहिसी का मुजाहरा करते हुए लैतोलाल से काम लिया। नाज़रीन, आसमा रानी जहाँ पहले अपनी छुट्टी गुजारने बेधड़क अपने घर वालों को मिलने आती और उनसे मिलकर अपनी मेहनत और महदूद सरमाए से जारी तालीम की थकन उतारती, अब डरने लगी थी, हिचकिचाने लगी थी। अपनी बहन को फ़ोन करके घंटों रोती रहती। मुजाहिद आफरीदी की धमकियों से यह मासूम बच्ची सहम गई थी। इसे ऐसा महसूस होने लगा था कि मेडिकल कॉलेज से मिलने वाली डिग्री उससे छीनी जा रही है या उससे दूर हो रही है। 28 जनवरी 2018 को वो छुपती छुपाती अपने घर को हाट आई। ताक में बैठे पत्थर दिल जालिम अमजद आफरीदी ने मासूम और शरीफ नफ्स आसमा रानी के जिस्म में अपने पिस्टल की गोलियों की पूरी लड़ी उतार दी। वो घर की दहलीज से अपने घर दाखिल होने की बजाय खून में लथपथ अस्पताल के एमरजेंसी वार्ड में पहुंच गई। वो अपनी बहन से पूछ रही थी कि क्या मैं डॉक्टर की डिग्री हासिल करने से पहले ही मर जाऊंगी, क्या मैं अपने बूढ़े माँ बाप और बहन भाइयों की ख्वाहिश पूरी न कर पाऊंगी। और फिर शायद उसको एहसास हो गया कि अब मैं जिंदा न रह सकूं। कामती होठों से अपने कातिल का नाम रिकॉर्ड करवा दिया कि अमजद आफरीदी ने मुझे कत्ल किया है। और फिर वो ऑपरेशन थिएटर के सख्त बेड पर अपनी जिंदगी की बाजी हार गई। अपने कातिल के लिए उसकी आंखों में बददुआएं थी। वो कुदरत से कह रही थी, है मेरे परवरदिगार, देख ले जालिम दुनिया ने किस तरह मेरी और मेरे घर वालों की हसरतों का खून कर दिया है। मैं अपने घर वालों की उस मेहनत और कमाए हुए उन पैसों का अब कैसे बदला दूंगी जो उन्होंने मुझे डॉक्टर बनाने के लिए कमा कमा कर मुझ पर खर्च किए। और फिर उसके लब खामोश हो गए, आंखें पथरा गई, जिस्म बेसुध हो गया। घर वाले बेबसी से अपने घर की हीरो को बेजान होते देखते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो किस तरह इस सदमे को बर्दाश्त करें, किस तरह रो रो के अपने दुख का इजहार करें। ये तो भला वो मीडिया का और उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार का कि जिसने पुलिस को झंझोड़ा तो मालूम हुआ कातिल उमरा का वीजा लगवाकर सऊदी अरब फरार हो गया है।
इंटरपोल के जरिए कातिल को गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया और गुज़श्ता रोज 25 जून 2021 को तकरीबन 3 साल के अरसा के बाद अदालत ने अमजद आफरीदी को मौत की सजा सुना दी। लेकिन क्या मकतूल और उसके खानदान को इंसाफ मिल गया? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ना जाने कितनी ही रानियां जो जालमों के जुल्म का शिकार होकर मनोमट्टी के नीचे सो जाती हैं। लेकिन इस रानी का सिर्फ एक कत्ल नहीं था, बल्कि पूरे घराने के ख्वाबों को कत्ल कर दिया गया था। हाँ, इंसाफ के लिए ज़रूरी है कि उन पुलिस वालों को भी सजा दी जाए जिन्होंने कत्ल से पहले शिकायत पर बेहिसी का मुजाहरा करके कातिल को शह दी थी और एक मासूम बच्ची का खून हो गया। आसमा रानी, अल्लाह ताला तुम्हें करवट करवट जन्नत अता फरमाए।